अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग शुरू करते हैं सूरह अल अनाम फहमुल कुरान आया 115 ऑनवर्ड से इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम 114 पे हमारा लास्ट टाइम एंड हुआ था। अब देखें हम कितना आगे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़ऊना वज़िदना इल्मा। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हमारा आठवां पारा है वलो अन्नना और सूरतुल अनाम। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। 115 आयत। व और तम्मत पूरी हो गई कलिमतु बात रब्बी का रब रब का आपके रब्बी का आपके रब की सिदकन सच व अदलन व और अदलन इंसाफ की ला नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला ली कलिमात ही उसके कलमात को व और हुआ वो असमीउ खूब सुनने वाला है अल अलीम खूब जानने वाला है। तो हम इंशाअल्लाह पहले तमाम तर्जुमा इसका देख लेते हैं फिर आते हैं आयत पे। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है इस कलाम को कोई बदलने वाला नहीं है। हाँ बदलने वाला नहीं और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तो अब हम देखते हैं आयत को देखते हैं स्क्रीन पे। वतम्मत वतम्मत और पूरी हो गई यानी कि मुकम्मल हो गई कंप्लीट हो गई वतम्मत। कलिमतु कलिमतु का मतलब है बात यानी कि किसको कलमा कहा है यहाँ पे कुरान मजीद को। तो कुरान मजीद पूरा उतर आया है पूरी बात उसमें हो गई है रब्बी का आपकी रब की तरफ से। तो कुरान मजीद जो है आपकी रब की तरफ से सिदकन सच सच है वह अदलन और इंसाफ पर मबनी है यानी कि इसमें सिदकन यानी अखबार और वाक़यात के लिहाज से सच्चा है। इसमें अल्लाह ताला ने जितनी ख़बरें दी हैं पुरानी पिछली कौमों की और आने वाली वक्तों की सारी खबरें जो हैं और सारे वाक़यात के लिहाज से सिदकन सच्चा है और जो अदलन और अहकाम और मसाइल के एतबार से आदिल है। इसमें अदल किया अल्लाह ने यानी इसका हर अमर और नहीं अदल और इंसाफ पर मबनी अमर कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म और नवाही नहीं कहते हैं जिस काम से अल्लाह ने रोका है मना किया है नवाही मना किया है अमर हुक्म दिया है यानी इसका हर अमर हर हुक्म और हर नहीं जिसको अल्लाह ने मना किया अदल और इंसाफ पर मबनी है क्योंकि उसने अल्लाह ताला ने उन्हीं बातों का हुक्म दिया है जिनमें इंसानों का फ़ायदा है और उन्हीं चीज़ों से रोका है जिसमें नुकसान और फसाद है। गो इंसान अपनी नादानी या अगवाए शैतानी की वजह से इस हकीकत को भले ना समझे लेकिन अल्लाह ताला की हर बात कुरान मजीद पूरा सिद्क सच्चाई पर और अदल पर मबनी है। उसके बाद फरमाया ला मुबद्दिला लिकलिमाती ही नहीं कोई बदलने वाला इसके कलमात को यानी इस कुरान मजीद को कोई नहीं बदल सकता। और हम देखते हैं कि आज 1400 साल 1450 साल के करीब हो रहे हैं आज तक कोई इसको बदल नहीं सका यानी कोई ऐसा नहीं जो रब के किसी हुक्म में तब्दीली कर दे क्योंकि इससे बढ़कर कोई ताकतवर है ही नहीं अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर है ही नहीं। और आपको याद होगा कि ये जो है ना वतम्मत कलिमत रब्बिका सिदकन व अदलन ला मुबद्दिला कलिमाती वहु समीउल अलीम ये जब हम जो नूरानी कायदे मुझे अपने बचपन में याद है अक्सर ऐसे नूरानी कायदे होते थे जो इंडिया के होते थे उसमें ये होता था
के अब पाकिस्तान में भी मिलते थे, मतलब किताबें तो हर जगह मिलती, तफसीर भी आप देख लें पूरी दुनिया में हर जगह मिलेगी, नूरानी कायदा भी हर तरह के हर जगह मिलेंगे, पूरी दुनिया में मिलेंगे, जहाँ भी आप हो, जो सारे इस्लामिक स्टोर होते हैं सब चीज़ें मिलती। तो वो वाला जो कायदा जिसमें हम ज़बर ज़ेर पेश फतह दमा कसरा अलिफ ज़बरा बा ज़बर बा अलिफ फतह बा फतह सब पढ़ लेते थे, ये सारा ख़त्म हो जाता था। तो फिर अम्मा पारा शुरू करने से पहले कुछ आयतें होती थी, तो ये आयत भी वहाँ होती थी, मुझे अच्छी तरह मेरे बचपन में याद है कि उन आयतों में से अम्मा के पारे के लिए प्रिपेयर करने से पहले जैसे ही हमारा कायदा ख़त्म होता था तो कुछ आयतें होती थी, तो ये आयत उसमें ज़रूर होती थी ना, तो ला मुबद्दिला लिकलिमाते ही, नहीं कोई बदलने वाला इस कलमात को यानी कुरान मजीद को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि उससे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है। वहुवा समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है, असमी सुनने वाला, अललीम खूब खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम 99 है जिसमें असमी और अलीम भी है, तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है इसमें, यानी बंदों के असमी खूब सुनने वाला, बंदों के अखवाल जो कुछ हम कॉल करते हैं बोलते हैं बंदों के अखवाल को सुनने वाला, और अललीम जानने वाला, और बंदों की एक एक हरकत को और अदा को जानने वाला है, और उसी के मुताबिक उनको जजा देगा। ठीक है, जो कुछ हम करके ले जाएंगे उसको वो खूब सुनता है, हमारे कॉल को और हमारे जो है हरकात को हमारी अदा को जानने वाला है, उसके मुताबिक हरे को जजा और सजा देगा। अब हम उसकी जो है समरी देखते हैं। अल्लाह की बात की क्या सिफात इस आयत में बताई गई है कि अल्लाह की बात क्या, कलिमतुन, कलिमतुन कहा गया ना कि कुरान को कलिमा कहा गया, कि अल्लाह की बात सच्ची है, सिदकन इंसाफ अली व अदलन, सिदकन व अदलन सच्ची है, इंसाफ अली है, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, और उसके कलमात को कोई बदल नहीं सकता। यानी कि पहले तो अल्लाह ने क्या कहा कि वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और पूरी होगी बात आपके रब की, यानी क्या पूरा हो गया, कलिमा किसको कहा है, कुरान को कहा है, और कुरान को कहा है अल्लाह की बात सच्ची सिदकन व अदलन इंसाफ अली है, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, और कोई इसके कलमात को बदलने वाला नहीं है, और वो वहुवा समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं 114 जो पिछली दफ़ा की थी, 115 को फिर से समझते हैं कि अल्लाह के फैसले अटल हैं। हुक्म होता है कि मुशरिक जो कि अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश कर रहे हैं, ऐ मोहम्मद ससम उसे कह दीजिए कि क्या मैं आपस में फैसला करने वाला बजस अल्लाह ताला के किसी और को तलाश करूं? उसी अल्लाह ने साफ खुले फैसले करने वाली किताब नाजिल फरमा दिए, इसमें जो अहकाम हैं वो भी अदल पर हैं, और जो ख़बरें हैं हालात हैं वाक़ात हैं वो भी सच्चे हैं। यहूद और नसारा जो साहिब किताब है जिन पर किताबें उतारी गई और जिनके पास अगले नबियों की बशारतें हैं, वो बखूबी जानते हैं कि ये कुरान करीम अल्लाह की तरफ से हक है और हक के साथ नाजिल शुदा है, और आपको शक्की लोगों में ना मिलना चाहिए। आप ससम को कह के हमें भी हुक्म दिया जा रहा है कि जो इसमें शक करते हैं उनके साथ ना मिलना चाहिए। और एक इरशाद बारी ताला, फ़इन कुंता फ़ी शक्किम मिम्मा अंजलना इलैका, आखिर आयत तक, यानी हमने जो कुछ आपकी तरफ वही उतारी है, अगर आपको उसमें शक हो तो जो लोग अगली किताबें पढ़ते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी किताबों में तमाम निशानियां थी। यकीन मान लिए कि आपके रब की जानब से आपकी तरफ हक उतर चुका है, बस आप शक करने वालों में ना हो, ये शर्त है, और शर्त का वाक़ होना कुछ ज़रूरी नहीं। इसलिए मरवी है कि हुजूर ससम ने फरमाया, ना मैं शक करूँ ना किसी से सवाल करूँ, आपके रब की बातें सदाकत में पूरी हैं, उसका हर हुक्म अदल है, चाहे हमें अच्छा ना लगता हो, वो अपने हुक्म में भी आदिल है और ख़बरों में भी सादिक है, और ये ख़बर सदाकत पर मबनी है, जो ख़बरें उसने दी हैं वो बिलाशुबा दुरुस्त हैं, और जो हुक्म फरमाया है वो सरासर अदल है, और जिस चीज़ से रोका है वो यकसर बातिल है। अवामिर और नहीं की बात हुई थी ना, कि जिस चीज़ से मना किया है वो यकसर बातिल हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ से रोकता है वो बुराई वाली ही होती है, और जिसमें हमारा नुकसान होता है, जिसमें फसाद होता है, और जिस चीज़ को करने को कहता है उसमें हमारा फ़ायदा होता है।
जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, या मुरुहुम बिल मारूफी वयन हाहुम अनिल मुनकरी, वो उन्हें भली बातों का हुक्म देता है, यानी अल्लाह के रसूल उन्हें भली भली बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकते हैं, कोई नहीं जो उसके फरमान को बदल सके, ला मुबद्दिला ली कलिमात ही, उसके हुक्म अटल हैं, दुनिया में क्या और आखरत में क्या, उसका कोई हुक्म टल ही नहीं सकता, उसका ताकुब कोई नहीं कर सकता, वो अपने बंदों की बातें सुनता है, वह समीउल आलीम, वो खूब सुनने वाला है, अल आलीम खूब जानने वाला है, और उनकी हरकात और सकनात को बखूबी जानता है, उसका उसको इल्म है, हर आमिल को हर अमल करने वालों को उसके बुरे भले अमल का बदला ज़रूर देगा, अगर अच्छा करके लाया है तो अच्छा बदला है, अगर बुरे अमाल करके लाया है तो फिर उसकी सज़ा है। अब हम देखते हैं आयत नंबर 116 इंशाल्लाह, व्हाट टू अ ट्रांसलेशन, व और इन अगर तुते आप अतात करें, तो आप ते अतात करें, तुते आप अतात करें, अक्सरा अक्सरियत की, मन जो फिल अर्दी फी में, अलर्दी ज़मीन में, फिल अर्दी ज़मीन में है, युदिल्लू का वो, युदिल्लू वो भटका देंगे का आपको, युदिल्लू का वो भटका देंगे आपको, आन सबीलिल्लाही, आन से सबीलिल्लाही, सबील रास्ते अल्लाह अल्लाह के, आन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, इन नहीं, इनका मतलब अगर होता है ना, देखे यहाँ नहीं है, इन नहीं, यत्तबीउना वो पैरवी करते, इल्ला मगर, अज़न्ना गुमान की, व और, इन नहीं, हम वो, इल्ला मगर, यखरुसून वो कयास आरायां करते हैं। हम रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं फिर आयत पे आते हैं। और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे, वो भटका देंगे, वो महज बे असल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कयासी बातें करते हैं। अब आयत की तरफ आते हैं, इसमें ये बताया गया है कि व इन तुते अक्सरा मिनल मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर आपने जो है उनकी बात अक्सरियत की बात मानी, ज़्यादा जो लोग अक्सरियत ने उनकी बात मानी ज़मीन में, तो वो आपको रास्ते से भटका देंगे। यानी कुरान की इस बयान करदा हकीकत का भी वाक़े के तौर पे हर वो दौर में मुशाहदा किया जा सकता है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला सूरह यूसुफ़ में आपकी ख्वाहिश के बावजूद, सूरतुल यूसुफ़ में फरमाते हैं कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद अक्सर लोग ईमान वाले नहीं, क्योंकि आप सल्लम की ख्वाहिश होती थी कि सब ईमान ले आएँ, तो अल्लाह ताला सूरतुल यूसुफ़ में फरमाते हैं कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं। इससे मालूम हुआ कि हक और सदाकत के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि हक और बातिल का मयार दलाइल और बराइन है, लोगों की अक्सरियत और अकलियत नहीं। यानी ऐसा नहीं कि जिस बात को अक्सरियत ने इख्तियार किया हो वो हक हो, यानी ज़्यादातर लोग जिस बात को मानते हो ज़रूरी नहीं कि वो हक हो, और अकलियत में रहने वाले बातिल पर हों, और जो कम लोग हों वो बातिल परस्त हों, बल्कि मस्कूरा हकीकत कुरान की रूह से ये ज़्यादा मुमकिन है कि अहले हक की तादाद के लिहाज से अकलियत में हों और अहले बातिल अक्सरियत में हों। अब देखें ये बात बताई गई ना, वहीं तोते अक्सरा मन फिल अर्दी युदिल्लू का सबीलिल्लाह, के जो है भटके हुए लोग जो है ना वो अक्सरियत में होते हैं, गुमराह लोग अक्सर अक्सरियत में होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, वो भटके हुए होते हैं। इसलिए आप अल्लाह ताला आप सबसम को फरमा रहे हैं कि आप उनकी पैरवी ना करें जो ज़मीन में अक्सरियत में, इससे पता चलता है कि अक्सरियत जो है ना वो गुमराह है, वो खुद भी उनके पीछे चलेंगे तो वो खुद भी भटके हुए हैं और आपको भी अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना, क्योंकि वो तो गुमान की पैरवी करते हैं, व इन हुम इल्ला यखरुसून, और नहीं वो मगर वो कयास आ रहा है, कहते वो गुमान पे चलते हैं, अक्सर जन पे चलते हैं और सिर्फ वो जो है कयास आराइया कर रहे होते हैं। और फिर आप एक हदीस में बताया कि नबी सल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत जो है 77 फ़िरक़ों में बट जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नुमी होंगे। अब आप देखें अक्सरियत की बात हो रही ना, कि अक्सरियत जो है अल्लाह की राह से भटके हुए हैं,
और इस जितनी इस जन्नती फिरके की निशानी अफसर ने यह बयान फरमाई कि जो माँ अना अलैही असाबी और मेरे साहबा के तरीक़े पर चलने वाले होंगे। अब देखिए हदीस बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 73 फ़िरक़ों में, और एक फ़िरक़े को छोड़कर बाकी सभी जहन्नुम में जाएंगे। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी जमात होगी? आप सब ने फरमाया, ये वो लोग हैं होंगे जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर होंगे, वो सिर्फ जन्नत में जाएंगे। माँ अना अलैही व असहाबी, वो लोग जन्नत में जाएंगे जो मेरे और साहबा के नक्शे कदम पर होंगे। तो यही चीज़ आयत में बताई गई कि व इन तुति अक्सरा मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाही, अगर आप अक्सरियत की पैरवी करेंगे, उनकी अतात करेंगे, तो वो आपको भटका देंगे, क्योंकि अक्सरियत जो है ना वो भटकी हुई होती है, और वो क्या करते हैं कि सिर्फ गुमान पे और कयास आराइयों की बातें करते हैं, बातिल बातें करते हैं, गुमान और कयास आराइयाँ कर रहे होते हैं। फिर एक और हदीस मुबारक है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा बिनत अबू बकर, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बहन रिवायत करती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा की बेटी, मुझे वही उनसे रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वही की गई है कि तुम लोग कब्रों में भी आजमाए जाओगे दज्जाल के फितने के करीब करीब, बस मोमिन या मुसलमान, मुझे यकीन नहीं कि अस्मा रदी अल्लाह अन्हा ने उनमें से कौन सा लफ्ज़ इख्तियार किया था, कौन सा लफ्ज़ कहा था, तो वो कब्रों में फरिश्तों के सवाल पर कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रोशन निशानात लेकर आए और हमने उनकी दावत कबूल की और ईमान लाए। यानी अस्मा भूल गई कि कौन सा लफ्ज़ था, मुस्लिम का या मोमिन का, यानी कब्रों में भी लोग मुसलमान मोमिन आजमाए जाएंगे और जो है कब्र के भी सवाल जवाब होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी पूछा जाएगा। पहला सवाल तो ये होगा ना, मन रब्बो का, तो जो मोमिन और मुस्लिम होंगे वो कह देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कब्र में भी आजमाए जाएंगे हम, सवाल जवाब होंगे। फिर पूछा जाएगा मन दीनों का, तुम्हारा दीन कौन सा है, तो जो मोमिन और मुसलमान होगा वो कह देगा दीन ही इस्लाम, के मेरा दीन तो इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा तीसरा सवाल, माँ इल्म का भी हाजर रजुल, यानी आप सलसम के बारे में, उस शख्स के उस बारे में, उस रजुल के बारे में, उस शख्स के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी आप सलसम के बारे में, तो जो मोमिन और मुस्लिम होगा वो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास रोशन निशानात लेकर आए थे, यानी कुरान और नूर और हिदायत और रोशनी और फुरकान, और हमने उनकी दावत कबूल की और ईमान लाए। तो उससे कहा जाएगा कि आराम से सो रहो, हमें मालूम था कि तुम मोमिन हो। और फिर मुनाफिक या शक में मुब्तला, मुझे यकीन नहीं कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ अस्मा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर मुनाफिकों से या जो शक में मुब्तला होते हैं उनसे पूछा जाएगा, तो वो कहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल पर, जब उससे पूछा जाएगा कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है, और माँ इल्म का भी हाजर रजुल, उनके तुम उस शख्स के बारे में क्या जानते हो आप ससम के बारे में, तो वो कहेगा कि नबी करीम ससम के मुतालिक सवाल पर मुझे मालूम नहीं, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी बक दिया। वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, वो तो लोग ही कुछ कहा करते थे, लोग ही कुछ कहते थे, मैंने वो सुना और वो बक दिया, क्योंकि वो जो शक में मुब्तला लोग थे, जो मुनाफिक थे, जो ये अभी जो कयास आ रहा यहाँ कर रहे, जो बात की गई ना, जो अक्सरियत होगी उनकी बातों की पैरवी ना करना, वो आपको भटका देंगे अल्लाह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, क्योंकि वो तो कयास आ रहा यहाँ करते थे, गुमान पे जीते थे, जन पे और कयास आराइयों पे जीते थे, इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन्हुम इल्ला यखरसून, वो तो पैरवी करते थे गुमान की और वो कयास आराइयां करते थे, वो सच्ची बात को तो मानते ही नहीं थे अल्लाह रसूल की। इसलिए वो कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं, हमने तो वही कह दिया कि जो लोग हमने वही कहा जो हम लोगों से सुना था, वही आपको बक दिया, फरिश्तों को वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अल्लाह ताला बचाए हमें, हमारे सवाल भी आसान करे, कब्र का जो आजमाइश है जो इस हदीस हमारे सामने, अपना म्यूट करने को प्लीज म्यूट कर लें आप, एक्चुअली अस्मा की आवाज है, फिर अस्मा म्यूट हो जाती है ना, फिर वो म्यूट हो जाती है, वो बेचारी हाँ नहीं उनको नहीं करे, वो पूरी म्यूट हो जाएंगी, फिर वो नहीं हो सकेंगी ना, वो कॉल वाले फिर म्यूट हो जाते हैं जी। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि अब चले हम अगली आयत पे आते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, कि हम गुमान पे और कयास आराइयों पे, कल भी बात हुई थी ना
क्या बात हुई थी, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलु, फ़स्ख़ार के वो जो है मुलम्मा साजी करते हैं, मुलम्मा साजी करते हैं अपनी तरफ से बातें मिला मिला के बताते हैं ना, तो ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल मिनल गुरूर से अल्लाह ताला बताए धोखे, गुरूर क्या था, धोखे की बातें, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल मुलम्मा साजी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें बचाए जो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा अब 117 हम पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंशाल्लाह, इन्ना बेशक, जी, इसकी समरी है 116 की। 116 की समरी। जी जी जजाकल्लाह खैर। इस आयत में अक्सरियत की पैरवी करने से क्यों मना किया जा रहा है, जजाकल्लाह खैर, और क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, ठीक है, और युदिल्लु का था ना आयत थी कि वो अल्लाह के रास्ते से आपको भटका देंगे, उनकी पैरवी ना करें, युदिल्लु का अन सबीलिल्लाह, वो गुमान की, क्योंकि वो गुमान की पैरवी करते हैं, ई तबीउना इल्ला जन्ना, वो कयास आराइयां करते हैं, व इनहुम इल्ला यखरसून, ठीक है ना, अज़न्ना और यखरसून, वो गुमान की, गुमान पे चलते हैं, गुमान की पैरवी करते हैं और कयास आराइयां करते हैं, इसलिए हमें किन से रोका गया कि अक्सरियत की पैरवी करने से मना किया गया है, क्योंकि अक्सरियत क्या करती है, वो अल्लाह के रास्ते से भटका देगी, आप सच फरमाया कि उनके तरीके पे चलेंगे तो अक्सरियत अल्लाह के रास्ते से भटका देगी, वो गुमान की पैरवी करते हैं और वो कयास आराइयां करते हैं, तो इससे पता चला कि अक्सरियत जो है भटकी हुई है, इस आयत से हमें पता चला। अच्छा अब 117 जजाकल्लाह खैर याद दिलाने का, समरी का, इन्ना बेशक रब्बा का, रब्बा रब का आपका, हुआ वो आलमो ज़्यादा जानता है, जब अलिफ लग जाए ना तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जानता है, मई युदिल्लू कौन भटका हुआ है, आन सबील ही उसकी रास्ते से, सबील रास्ते ही से, अन उसके सबील रास्ते ही से, अब पिछली आयत में भी सबील था, यहाँ भी सबील, तो आपको याद हो गया, वो रास्ते में सबीलें लगाते थे ना, लगाते हैं ना मुहर्रम की जो बिदात होती है पानी की और वो शरबत की, और तो सबील उसको भी सबील कहते हैं, अन सबील ही क्योंकि वो रास्ते में लगी होती, उसके रास्ते से, व और हुआ वो आलमो ज़्यादा जानता है, बिल मुख्तदीन हिदायत पाने वालों को, रवां तर्जुमा देख के फिर हम आयत की तरफ आते हैं, बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। आयत को देखते हैं फिर से स्क्रीन पर, तो इन्ना रब्बका हुआ आलमो मई युदिलु अन सबील ही, बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, जो अभी पिछली आयत में भी बात हुई थी ना कि जो भटक जाते हैं, और उनको भी खूब जानता है, वह हुआ आलमो बिल मुहतदीन, और वो उनको भी खूब खूब जानता है, अलिफ आ गया ना तो आलमों से पहले, तो खूब खूब जानता है, बहुत ज़्यादा जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला दोनों को जानता है जो भटके हुए हैं और उनको भी जो उसकी राह पर चलते हैं, जो हिदायत वाले रास्ते पर हैं, दोनों को जानते हैं अल्लाह ताला। तो बेकार ख्यालों में गिरफ्तार लोग पिछली 116 और 117 को देख देते हैं कि अल्लाह ताला खबर देता है कि अक्सर लोग दुनिया में गुमराहकुन होते हैं, इसीलिए आप सस्म को मना किया गया कि वैन तुते अक्सर मनफिल युदिल्लू का, कि अक्सर लोग जिसकी आप पैरवी करेंगे वो आपको गुमराह कर देंगे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, क्योंकि वो तो गुमान करते हैं और कयास आराइयां करते हैं, इल्ला जन्ना वैनहुम इल्ला यखरसून, यखरसून कयास करना और जन्ना गुमान पर जीते हैं, तो अक्सर लोग दुनिया में गुमराहकुन होते हैं, जैसे फरमान है वलकद दल्ला कबलहुम अक्सर अव्वलीना, और जगह इरशादे बारी ताला वमा अक्सरुन नासी वलो हरस्ता बिमुमिनी, गो तू हिस करे लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। चले मुझे बताएं, मेरा सवाल है कि सूरत जुमा में आप पढ़ती हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह रसूल से कहते हैं कि आप तो हलाक ही हो जाएंगे अगर ये ईमान ना लाए, चले कोई आयत में हर दफा बताती हूँ, किसी को याद है बताएं वो आयत का हिस्सा, तो जुमा में पढ़ती हैं जुमे को, कोई भी अनम्यूट करके बता दे कि ए अल्लाह के रसूल आप तो हलाक ही हो जाएंगे अगर ये बात मान के ना दें, फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, याद आई ये वाली आयत जी, तो हिस करे लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, फिर ये लोग अपनी गुमराही में भी किसी यकीन पर नहीं, सिर्फ बातिल गुमान और बेकार ख्यालों का शिकार है। अब ये जो बात आई ना कि ये गुमान करते हैं और कयास आराइयां करते हैं, इन यत्तबीउना इल्ला ज़न्ना व इन्हुम इल्ला यखरसून,
कयास आरा ये करती हैं, तो ये बातें, ये लोग अपनी गुमराही में भी किसी यकीन पर नहीं है, सिर्फ बातिल गुमान और बेकार ख्यालों का शिकार है, अंदाजे से बातें लेते हैं फिर उनके पीछे हो लेते हैं। ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल ग़ुरूर था ना कल वाली बात, ख्यालात की पैरों हैं तो हम तोहम परस्ती में गिरे हुए, सुपरस्टिशन वहम तोहम परस्ती में गिरे हुए, ये सब मशीयत इलाही है। वो गुमराहों को भी जानता है और वो किसको जानता है, और उन पर जो गुमराहियाँ आसान कर देता है, वो गुमराहों को भी जानता है और उन पर गुमराहियाँ आसान कर देता है। वो राह याफ्ता को लोगों को भी खूब वाकिफ़ है। वह हुआ आलम मैदिलु अनसबीली, वह हुआ आलम बिलमोहतदीन, जो हमारी अभी आयत थी स्क्रीन पे देखते हैं कि वो राह याफ्ता लोगों से भी वाकिफ़ है, उन्हें हिदायत आसान कर देता है। अगर जो गुमराहियों पे चलना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए गुमराहियों का रास्ता आसान कर देता है, जहाँ चलना चाहे वो रास्ता अल्लाह आसान कर देगा। और वो राह याफ्ता लोगों से भी वाकिफ़ है, उन्हें हिदायत आसान कर देता है। वह आलम बिलमोहतदीन, हर शख्स पर वही काम आसान होते हैं जिनके लिए वो पैदा किया गया। अल्लाह ताला को पता है कि कौन क्या करके आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 118, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। फर्स्ट फ पस, कुलू खाओ, वा वालिक बता रहा है कि जमा का सीगा है, मिम्मा ये मिन था, मिन और मा था, स्क्रीन पे ले आए 118 आयत नंबर 118, मिन और मा था, मिन अब ये मिम्मा हो गया, ठीक है, नून हजफ हो गया, मिम्मा उसमें से जो जुकिरा जिक्र किया गया, इस्मो नाम अल्लाह ही अल्लाह का, अलैही अला पर ही उस, अलैही उस पर, इन अगर उन तुम हो तुम भी आयाती ही उसकी आयात पर ही जो है उसकी, ठीक है, आयात आयात जो है आयतुन की जमा है, भी आयाती ही उसकी आयात पर मुमिनीन ईमान लाने वाले। हम रनिंग ट्रांसलेशन पहले देख लेते, जिस रनिंग ट्रांसलेशन स्क्रीन पे देखे, जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो। आयत को देखते हैं कि फकुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाह, यानी जिस जानवर पर शिकार करते वक्त या ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ। फकुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाह अलैही, यानी जिस जानवर पर शिकार करते वक्त या उसको ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ, इसे खा लो बशर्ते कि वो उन जानवरों में से हो जिनका खाना हलाल है, यानी वही जानवर खाना है जिसका खाना हलाल है और जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो हलाल और तैयब नहीं, अलबत्ता उससे ऐसी सूरत मुस्तस्ना है जिसमें ये इल्तिपास हो कि ज़िबा के वक्त ज़िबा करने वाले ने अल्लाह का नाम लिया है या नहीं लिया, ठीक है। इसमें हुक्म ये है कि अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाह अलैहि इन कुंतुम भी आयाती ही मोमिनून, तो जिस पर अल्लाह का नाम लिया हो उसको खा लो अगर तुम उसकी आयात पर ईमान लाने वाले हो। अगर तुम मोमिन हो तो जिस जानवर पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया उसको खा लो। अब इसमें यह बताया गया है कि इस हुक्म में यह है कि अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुछ लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं, उससे मुराद अराबी थे, जो गांव के लोग थे ना अराबी लोग, जो नए नए मुसलमान हुए थे और इस्लामी तालीम और तरबियत से पूरी तरह बहरावर नहीं थे। जो नया नया मुसलमान होता है, अभी कलमा शहादत ही पढ़ा होता है, तो वो सारी तालीमात तो उसको नहीं आ रही होती इस्लाम की, तो इसलिए हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का सवाल था। माशाल्लाह वो तो आपको पता है, आप ससम के आपका बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा का हुजरा आप मस्जिद नबी के साथ ही था, तो वो हर वक्त सुनती रहती थी आप ससम जो कुछ हदीस मुबारका होती थी और जो कुछ तालीमात कुरान से वही इलाही होती थी, तो माशाल्लाह वो सुनती रहती थी। तो उनका सवाल था कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ लोग गोश्त लेकर आते हैं, यानी अराबी हैं जो नए नए मुसलमान हुए हैं और इस्लामी तालीम व तरबियत से बहरावर नहीं है, हम नहीं जानते कि उन्होंने अल्लाह का नाम लिया है या नहीं। आप सब ने फरमाया तुम अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो, अलबत्ता शुबे की सूरत में ये रुख्सत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म के जानवर का गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से हलाल हो जाएगा,
इससे ज्यादा से ज्यादा ये साबित होता है कि मुसलमानों की मंडियों और दुकानों पर मिलने वाला गोश्त हलाल है। हाँ, अगर किसी को वहम और इल्तिबास हो तो खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले। तो यही हदीस मुबारक हम देखते हैं स्क्रीन पे, हमारी उज़्मा जी ने इनको इतना खूबसूरत एडिट किया है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए उनके सवालात भी कैसे होते थे कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कि अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए मुसलमान हुए हैं, वो हमारे पास गोश्त लाते हैं, हम नहीं जानते कि आया वो उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह का नाम लो और खाओ। रवाहुल बुखारी, इसे बुखारी ने रिवायत किया। यानी पीछे उन लोगों का जिक्र था पिछली आयत में जो महज ख्याली अंदाज़ों पर अपने दीन की बुनियाद रखे हुए थे, जन के मुताबिक और ख्याल आराइयों के मुताबिक। उनकी उस गुमराही का एक नतीजा ये था कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उसको ये हराम कहते थे, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कहा है उसे ही वो हलाल समझते थे। चुनाचे एक मर्तबा कुछ काफरों ने मुसलमानों पर एतराज़ किया कि जिस जानवर को अल्लाह ताला कत्ल करे, यानी वो अपनी तबई मौत मर जाए। अब ऐसा भी होता है ना, जो जिंदा है वो मर भी जाता है, जानवर को भी मौत आ जाती, जब दुनिया में आए जिंदगी है तो मौत भी आ जाती, यानी नेचुरल मौत, यानी अल्लाह ताला ने उसको कत्ल कर दिया। उनके अल्फाज थे कि जो तबई मौत मर जाता है, जिसको नेचुरल मौत आ जाती है जिस जानवर को, यानी जिसको अल्लाह ताला कत्ल कर देता है, तो उसको तो तुम मुर्दार करार देते हो। जाहिर वो तो मुर्दार हो गया, मुर्दार करार देकर हराम समझते हो, और जिस जानवर को तुम खुद अपने हाथों से कत्ल करते हो उसको हलाल करार देते हो, यानी जिसको हम ज़िबा करते हैं। तो इसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई, जिसका ख़ुलासा ये है कि हलाल और हराम का फैसला, देखे ना यही बात आ गई ना कि जन और कयास आ रहा है यहाँ, तो ये एतराज़ उन्होंने किया था, उसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई जिसका ख़ुलासा ये है कि हलाल और हराम का फैसला हकीकत अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। उसने वाज़े फरमा दिया है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा किया जाए वो हलाल होगा, और जो ज़िबा वो हलाल होता है, और जो ज़िबा किए बगैर मर जाए अपनी तबाही मौत नेशन मौत, या जिससे ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो वो हराम होता है। अल्लाह ताला के फैसले के बाद अपने मन घड़त ख्यालात की बिना पर, कयास आराइयां और जन की बिना पर हलाल और हराम का फैसला करना ऐसे शख्स का काम नहीं जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान रखता हो। यही चीज़ हमें आयत पे बताई गई कि अगर आप मोमिन हो तो जो है अपने मन घड़त ख्यालात की बिना पर हलाल और हराम का फैसला करना मोमिन ऐसा शख्स जो का काम नहीं जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान रखता, मोमिन ऐसा कभी नहीं करता। अब यहाँ ये बात समझने की कि कुफार के मस्कूरा एतराज़ के जवाब में ये मसलियत भी बताई जा सकती थी, अल्लाह ताला ये भी बता देते कि जानवरों को बाकायदा ज़बह किया जाता है तो उसका खून अच्छी तरह बह जाता है ना, खून बह जाता है तो सारी बीमारी निकल जाती। उसके बरखिलाफ जो जानवर खुद मर जाता है, तबई मौत मर जाता है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है, इनका एतराज़ जो था तो उसका खून जिस्म में ही रह जाता है जिससे पूरा गोश्त ख़राब हो जाता है। अब मेडिकल साइंस भी यही बता रही है ना कि ज़िबा करना चाहिए तो खून का बह जाना है तो सब कुछ निकल जाता है। और आजकल अब आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस भी प्रूफ कर रही है, और जो हलाल नहीं खाते थे वो सब भी हलाल खाने लगे हैं, मुसलमानों के अलावा भी। मुसलमान तो हलाल ही खाते हैं, ज़बिया खाते हैं, तो दूसरे भी आप देखते हैं कि मुसलमानों के अलावा भी सब लोग ज़बिया खाने लगे। ज़बा क्या हुआ? क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया ये हकीकत कि जब गोश्त निकल जाता है तो जब उसका खून निकल जाता है तो क्या होता है कि सारी बीमारियां सारी चीज़ें उसमें से निकल जाती। लेकिन अब अल्लाह ताला ये बात भी बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हिकमत बयान फरमाने की बजाय ये कहने पर इक्तफा फरमाया कि जो चीज़ें हराम है वो अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी, लिहाजा इसके अहकाम के मुकाबले में ख्याली घोड़े दौड़ाना मोमिन का काम नहीं। क्योंकि इनका एतराज़ था ना, क्या एतराज़ था कि अल्लाह जो जानवर अपनी मौत मर जाता है, नेचुरली मर जाता है, तबई मौत मर जाता है, नेचुरल तौर पे मर जाता है, तो उसको तो तुम लोग मुर्दा करार दे के हराम करार देते हो, और जो तुम लोग खुद कत्ल करते हो, कत्ल कह रहे हो, हम तो ज़िबा कहते हैं, ज़िबा कत्ल करते हो तो उसको तो तुम हलाल करार देते हो। तो यही बात इस आयत में बताई गई है कि लिहाजा उसके अहकाम के मुकाबले में ख्याली घोड़े दौड़ाना,
मोमिन का काम नहीं। इस तरह ये वाज़े फरमा दिया कि अगरचे अल्लाह ताला के हर हुक्म में यकीनन मसलहतें होती हैं, लेकिन मुसलमान का काम ये नहीं है कि वो अपनी अतात को अपनी अतात को इन मसलहतों के समझने पर मौक़ रखे कि अब तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अतात नहीं करता। इसका फरीज़ा ये है कि जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाए तो बेचूँ चरा उसकी तामील कर ले, उसका हुक्म मान ले, चाहे उसकी मसलहत उसकी समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। और मसलहतें तो समझ में आ ही जाती है, तफासिर से समझ में आ जाती है, ऐसे दीनी हलके होते हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, इतनी इतनी तफसीर है, समझाने वाले मौजूद हैं, तो बिल्कुल अगर चाहे इंसान तो, और हदीस मुबारक भी उसकी तायद कर रही होती है, कुरान कुरान की तफसीर करता है, कुरान को समझने के लिए क्या है, कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, फिर जो है हम देखते हैं कि साहबा की ज़िंदगी में क्या हुआ। तो अब हम स्क्रीन पे हदीस मुबारक देखते हैं। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धारदार चीज़ खून बहा दे और उससे अल्लाह का नाम ले लिया गया हो तो उससे ज़बह किया हुआ जानवर खा सकते हैं। पूरी हदीस में पढ़ती हूँ। उबाया बिन राफ़े ने और उन्होंने उनके दादा हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे पास छुरी नहीं। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धारदार चीज़ खून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो तो उससे ज़बह किया हुआ जानवर खा सकते हो, ठीक है, लेकिन नाखून और दांत से ज़बह ना किया गया हो, क्योंकि नाखून हबशियों की छुरी है और दांत हड्डी है, और एक ऊँट भाग गया तो तीर मारकर उसे रोक लिया गया। आपने इस पर फरमाया, ये ऊँट भी जंगली जानवरों की तरह भड़क उठते हैं, इसलिए जो तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए उसके साथ ऐसा ही क्या करो। तो अब यहाँ क्या बताया गया, आज़ा सब ने जो हाईलाइट किया गया, आज़ा सब ने फरमाया कि जो धारदार चीज़ खून बहा दे उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो तो उससे ज़बह किया हुआ जानवर खा सकते हो। तो अब आपको सब पता चल समझ में आ गया कौल अल गुरूर के वो जो कल हमने आयत पढ़ी थी, ज़ुख़रुफ़ुल कौल, सॉरी गलत बोला, ज़ुख़रुफ़ुल कौल, कयास आराइयाँ करना, और जो है जन वो सिर्फ गुमान की बातें करते हैं, कयास आराइयाँ करते हैं, मुलम्मा साजी करते हैं, ये सब बातें अल्लाह ताला ने सारी आयतें हमने इसमें पढ़ी कि ये नहीं होनी चाहिए। और एक मोमिन जो है ऐसी बातें नहीं करता, हलाल को हराम और हराम को हलाल, कयास आराइयाँ करके और जन पे जन गुमान करके उस तरह की बातें नहीं करता। अब आगे आयत 119 पढ़ते हैं, और मुलम्मा साजी भी नहीं करते, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल भी उसका नहीं होता। व और माँ क्या है, लकुम तुम्हें, अल्लाह के नहीं, ता कुलू तुम खाते हो, ता तुम कुलू खाते हो, वाव अलिफ प्लूरल बताता है तुम सबके सब, मिम माँ, ये भी मिन और माँ था, मिन से माँ उसमें से, जो माँ जो, मिन से मिम माँ उसमें से जो, जुकिरा जिक्र किया गया, इस्मो नाम अल्लाह ही अल्लाह का, अलैही अल्लाह पर ही उस, अलैही उस पर, वक़द वा हालांकि, वा का मतलब और नहीं, हालांकि, कद तहकीक, वक़द हालांकि तहकीक, फसला उसने खोल कर बयान किया, लकुम लिए कुम तुम्हारे, माँ जो हर्रमा उसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, इल्ला मगर माँ वो जो, अस्तुरिर तुम मजबूर किए कर दिए जाओ तुम, इलैही इला तरफ ही उसके, इलैही तरफ उसके, व और इन्ना बेशक, कसीरन अक्सर लोग, लयुदिल्लूना ल अलबत्ता वो गुमरा, युदिल्लूना वो गुमराह करते हैं, भी अहवाहिम अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए, अहवा हवा उनकी जमा, हिम अपनी, भी अहवाहिम अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए, बिगैरी बग़ैर इल्मिन इल्म के, इन्ना बेशक, रब्बका तेरा रब हुआ वो, आलमु खूब जानता है, बिल मौतदीन हद से बढ़ने वालों को। चलें हम अब रवां तर्जुमा देखते हैं। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने उन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है।
मगर वो भी जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं, और उसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। अब आयत की तरफ हम आते हैं, आयत को देखते हैं स्क्रीन पर। वमा लकुम अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाही अलैहि, और तुम्हें क्या है कि तुम नहीं खाते, मतलब ये बताया कि आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। उसको तो खाना ही चाहिए जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। वक़त फ़स्सला लकुम मा हरमा अलैकुम, हालांकि अल्लाह ताला ने उन सब जानवरों की तफसील बता दी है। फ़स्सला, उसने खोल खोल कर बता दी है ना सारी तफसील। और पीछे भी आप पढ़ते आए थे, पिछली सूरत में भी सारी तफसील जानवरों की हमने पढ़ी थी ना, नाखून वाला और किस तरह का, सारा हमने तफसील पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जानवरों की तफसील बता दी गई है जिनको तुम पर हराम किया गया है, कौन से हलाल है कौन से हराम है। फ़स्सला, खोल खोल उसने खोल कर तफसील बता दी गई है, ठीक है। इल्ला मा मस्तुरिर तुम इलही, वो जो मजबूर कर दिए जाओ तुम तरफ उसकी, यानी इसमें यह बताया गया है कि किन हालात में खाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इंतहाई मजबूरी के हालात में, जब जान जाने का अंदेशा हो, अब हलाल मिल ही नहीं रहा है, कहीं से हलाल मिल ही नहीं रहा है और जान जाने का अंदेशा हो, तो इंतहाई, क्योंकि जान की हुरमत है ना बहुत ज़्यादा, जान को तो बचाना है। इसी तरह मरीज़ भी हम देख रहे होते हैं, आखिरी वक्त तक उसको कोशिश होती है हॉस्पिटल्स में ICU में रख के और कौन कौन से मशीन लगा के और के जो है उसकी जान बच जाए। तो अगर बिल्कुल हलाल है ही नहीं कहीं दूर दूर तक, तो इंतहाई है ना मस्तुरिर तुम, मजबूर कर दिए जाओ तुम। तो मजबूरी की हालत में जब जान जाने का अंदाशा हो, कोई हलाल चीज़ मयसर ही ना हो, हासिल ही ना हो, इस किस्म के हालात में इंसान हराम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हराम को इंतहाई कराहत और पसंदीदगी के साथ खाना चाहिए, शौक़ और रगबत के साथ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ उतना खाए जिससे कि जान बच जाए, पेट भर कर नहीं खाए कि अब चलो पेट ही भर लूँ, नहीं, जान बच जाए तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए। वइन्ना कसीरम लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैर इल्म इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिल्मुतदीन। तो ये मगर ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। वही बात जो पीछे बताई गई थी कि गुमान होता है, गुमान की वजह से कयास आराइयां करके और जो है ला इल्मी की वजह से जो है गुमराह कर देते हैं कि नहीं नहीं ये भी कर लो वो भी कर लो, बग़ैर इल्म के बातें करते हैं। और क्या है इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिल मोतदीन, मोतदीन को है कौन है जो हद से निकल जाते हैं, जो हद से निकल जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, कयास आराइयां और जो है जन पर जीते हैं, कयास आराइयों पे जीते हैं, गुमान पे जीते हैं और मुलम्मा साजी करते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, और जो है अल्लाह की हदों से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला उनको खूब जानता है। वह हुआ आलमो बिल मोतदीन, मोतदीन को है हद से निकल जाने वाले, सरकशी करने वाले, अल्लाह के हुक्म को ना मानने वाले। अब 119 की हम समरी देख लेते हैं कि किन हालात में हराम खाने की इजाज़त है। इंतहाई मजबूरी की हालत में, जब जान जाने का अंदेशा हो। इल्ला मस्तुरिर तुम इलही, वो मगर वो जो मजबूर कर दिए जाओ तुम, तो जान जाने का अंदेशा हो, कोई हलाल चीज़ मयसर ही ना हो, दूर दूर तक आपने घोड़े दौड़ा लिया और कुछ मिल ही ना रहो, इस किस्म के हालात में इंसान हराम इस्तेमाल कर सकता है। कि अभी कुछ लोग तो बर्दाश्त करते, कुछ की तो बिल्कुल हालत बुरी हो जाती है ना भूख से या ना खाने की वजह से, तो ऐसी हालत में खा सकते हैं कि कुछ मिल ही ना रहो, लेकिन हराम को इंतहाई कराहत और नापसंदीदगी के साथ खाएंगे, शौक़ और रगबत से ना खाएं, सिर्फ उतना खाएं जिससे कि जान बच जाए, पेट भर कर नहीं खाएंगे, जान जा रही हो तो थोड़ा सा खा लें लेकिन पेट भर के ना खाएं, कुछ ना मिलने की सूरत में, ठीक है। उसके बाद हम 20 करके 120 आयत करके जो है हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो 118 और 19 को मैं ज़रा फिर से हम देख लेते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला के नाम का ज़बीहा हलाल है, बाकी सब हराम है। हुक्म बयान हो रहा है कि जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए उसे खा लिया करो। इससे मालूम होता है कि जिस जानवर के ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसका खाना मबाह नहीं। जैसे मुशरिकीन अस खुद मर गया हुआ मुर्दार जानवर बुतों और
और स्थानों पर ज़बह किया हुआ जानवर खा लिया करते थे, जो जानवर मर जाता था उसको भी मुशरकिन खा लेते थे। जब ही तो इन्होंने एतराज़ किया ना पिछली आयत में, और जो आस्थानों पे चराते थे बुतों के नाम उसको भी खा लेते थे। कोई वजह नहीं कि जिन हलाल जानवरों को शरीयत के हुक्म के मुताबिक ज़बह किया जाए उसके खाने में हर समझा जाए, बिलखसूस उस वक्त के हराम जानवर का बयान खोल खोल कर कर दिया गया है। और दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि वो हराम जानवर खाने ममनून है सिवाय मजबूरी और सख्त बेबसी के, उस वक्त जो मिल जाए उसके खा लेने की इजाज़त है क्योंकि जान ही निकल रही हो। फिर काफरों की ज्यादती बयान हो रही है कि वो मुर्दार जानवर को और उन जानवर को जिन पर अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम लिए गए हों हलाल जानते हैं, ये लोग बिला इल्म सिर्फ ख्वाहिश परस्ती करके दूसरों को भी राह हक से हटा रहे हैं। ऐसों की इफ्तरा परदाजी और दरोग बानी और ज्यादती को अल्लाह ताला खूब जानता है। जैसे कि आयत में था कि क्या पढ़ा था हमने आयत में कि इन्ना रब्बका हुआ आलमु बिल मोतदीन, के मुर्दार भी खा लेते हैं, आस्थानों पे चराए हुए जानवर है उसको भी वो लोग खा लेते हैं गैर अल्लाह के नाम की। तो ये लोग बिला इल्म यानी कि वइन्ना कसीरन लियुदिल्लूना बिअहवाइहिम बगैर इल्म, और बेशक असर लोग अलबत्ता वो गुमराह हैं अपनी ख्वाहिशात की वजह से बग़ैर इल्म के ऐसी चीज़ें करते हैं। ये लोग बिला इल्म सिर्फ अब ख्वाहिश की परस्ती के करके दूसरों को भी राय हक से हटा रहे हैं। ऐसों की इफ्तरा परदाजी और दरोगबानी और ज्यादती को अल्लाह ताला बखूबी जानता है। हुआ आलमु बिल मोतदीन। उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 120, व और ज़रूर छोड़ दो ज़ाहिरा ज़ाहिरी अलिस्मे गुनाह को व और बातिना हूँ उसके छुपे को, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यक्सिबुना कमाते हैं अलिस्मा गुनाह सजुज ज़ौना अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे बीमा उसका जो कानू थे वो यक तरीफ़ून वो कमाई करते थे। रवा तर्जुमा देख लेते हैं, और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो, बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए के की अनकरीब सज़ा मिलेगी। आयत को देखते हैं फिर से स्क्रीन पे, अब इस्म वज़रू ज़ाहिरल इस्म के तुम छोड़ दो गुनाह, ठीक है। तो गुनाह किसको कहते हैं, इस्म की इस्म कैद का रूट वर्ड है हमजा सामीम, ठीक है, इसके अंदर ही अलिफ सामीम है ना, हमजा सामीम गुनाह, तो अरबी में हमजा होता है अलिफ भी होता है लेकिन हमजा। मुराद है वो गुनाह जो इंसान के दिल में खटके और उसको ये डर हो कि किसी दूसरे को उसके गुनाह का पता ना चल जाए। इंसान डर रहा होता है कि गुनाह जो मैं गलत काम कर रहा हूँ किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहु, कि तुम छोड़ दो ज़ाहिरी गुनाह भी और छुपे हुए गुनाह दोनों का हुक्म दिया जा रहा है, कि बातिनी गुनाह भी छोड़ दो और ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, ठीक है। अब देखें ज़ाहिर है ना, ज़ाहिरा ज़ाहिरल इस्मी, कि अब ज़ाहिरी गुनाह कौन से होते हैं, ज़ाहिरी गुनाह में वो सारे गुनाह होते हैं जो ज़ाहिर हों जो नज़र आ जाए, मसलन नमाज नहीं पढ़ें तो सबको पता चल जाएगा, हिजाब ना करें, मैं हिजाब ना करूं बगैर दुपट्टे के चलूं तो नज़र में आ जाऊंगी, ठीक है, गाना हम सुनेंगे म्यूज़िक गाना वगैरह तो वो भी सबकी नज़र सबको पता चल जाएगा। तो ज़ाहिरी गुनाह में वो गुनाह दाखिल है जो इंसान अपने ज़ाहिरी अज़ा से करे, मसलन के झूठ बोलना, गीबत करना, धोखा, वो भी किसी के साथ ही करेंगी ना तो वो तो नज़र आ ही जाएगा कि अब गीबत करी, धोखा देना, धोखा कब तक छुपेगा वो भी दूसरे को पता चल जाता है, रिश्वत लेना, शराब नोशी करना, जिना करना। और बातनी गुनाहों से क्या मुराद है, अब आयत देखें ना, आयत में है ना कि वह बात ही ना हो और उसके छुपे को, यानी हु किसके गुनाह के, अलिस्म वह बात ही ना हो और छुपे हुए गुनाह भी ना करो। तो हम देखते हैं कि जो बातनी गुनाह है छुपे हुए गुनाह से मुराद वो गुनाह हैं जो क्या हैं, जो दूसरों के सामने जाहिर तो ना हो, दूसरों को पता ही ना चले, छुपे हुए ना, लेकिन इंसान के बातिल में छुपे हों, मसलन जिना, रियाकारी, शो ऑफ, दिखावा, धोखाबाजी, चाले चलना, बदगुमानी की अभी जो बात हुई थी, बदगुमानियाँ, इससे मुराद वो गुनाह जिसका ताल्लुक दिल से होता है, मसलन हसद भी दिल में हम रख के बैठे होते हैं, रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ, तकब्बुर भी दिल में होता है, और फिर बुग्ज दूसरों के खिलाफ हसद और बुग्ज रखना, जलन रखना, दूसरों के बदख्वाही चाहना, दूसरों का बुरा चाहना वगैरह।
तो पहली किस्म के गुनाहों का बयान फिक्र की किताबों में होता है और उनकी यानी कि ज़ाहरी गुनाह उनकी तालीम व तरबियत फुकाहा से हासिल की जाती है, और जो बातनी गुनाह है दूसरी किस्म के गुनाह उनका बयान तसव्वुफ़ और एहसान की किताबों में होता है और उनकी तालीम व तरबियत के लिए मशाए से रुजू किया जाता है। तो और तुम ज़ाहरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़ज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, बेशक बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की अनकरीब सज़ा मिलेगी। सयुज़ज़ौना, सा सीन जो है ना अनकरीब का है, सीन जब भी आता है, अब जैसे आपने अच्छा और कहाँ पढ़ा था मुझे बताएं, सीन का कोई वर्ड आता है किसी के जहन में? दूसरे पारे में पढ़ा था, दूसरे पारे के शुरू में, सयकुलु सुफा अन करीब, ये लोग कहेंगे कि मुसलमानों को क्या हो गया कि किबला बदल दिया, तो स अन करीब के लिए आता है, सयकुल सयुज़ौना अन करीब वो बदला दिए जाएंगे, सीन का स जब आया ना सीन तो अन करीब वो बदला दिए जाएंगे, बेशक वो लोग जो कमाते हैं गुनाह ज़ाहरी और बातनी गुनाह कमाते हैं गुनाह करते हैं, अन करीब वो बदला दिए जाएंगे, उसकी जजा और सज़ा होगी, बिमा कानू यख्तरिफून उसकी जो वो कमाई करते हैं, क्या कमाते हैं? गुनाह कमाते हैं, ज़ाहरी और बातनी, छुपे हुए गुनाह और ज़ाहिर गुनाह, तो हमें दोनों तरह के गुनाहों से बचना है। यहाँ पे ये बात बताएगी, ज़ाहरी और बातनी गुनाहों को तर्क कर दो, वज़रू छोड़ दो, ज़ाहिर अल इस्मी व बातिन, वो ज़ाहरी गुनाह भी और छुपे हुए गुनाह भी, छोटे बड़े पोशीदा ज़ाहिर हर गुनाह को छोड़ो, ना खुली बदकार औरतों के पास जाओ, ना चोरी छुपे बदकारियाँ करो, खुल्लम खुल्ला उन औरतों से निकाह ना करो जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, गर्ज हर गुनाह से दूर रहो, क्योंकि हर बदकारी का बुरा बदला है। हुजूर सल्लम से सवाल हुआ कि गुनाह किसे कहते हैं, तो आप सल्लम ने फरमाया जो तेरे दिल में खटके और तू ना चाहे कि किसी को उसकी इतला हो जाए। अभी हदीस मुबारक देखते हैं, आप सल्लम ने फरमाया वाबिसा वाबिसा से बात करें, मैं अस्खुद तुम्हें कुछ बतला दूं या तुम सवाल करोगे? मैंने कहा जी नहीं, वाबिसा ने कहा जी नहीं, मैं आप खुद मुझे फरमा दें। आप सल्लम ने फरमाया तुम नेकी और गुनाह के बारे में सवाल करने के लिए आए हो, यानी आप सल्लम समझ गए कि वो किस लिए आए थे वाबिसा। मैंने कहा जी हाँ। आप सल्लम ने अपनी उंगलियों को इकट्ठा किया और वो मेरे सीने पर लगाने लगे और फरमाया वाबिसा अपने दिल से पूछ लिया करो, अपने दिल से पूछ लिया करो। तीन बार फरमाया नेकी वो है जिस पर नफ्स मुतमईन हो जाए और गुनाह वो है जो नफ्स में खटके और उसके बारे में सीने में तरद्दुद पैदा हो, अगरचे लोग तुझे फतवों पर फतवे देते रहे कि नहीं 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 तुम तो ठीक हो, सो व्हाट, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लो, चाहे लोग कितने फतवे दे दें, जो तेरे दिल में खटके और तू ना चाहे कि किसी को इसकी इतला हो जाए, ये होता है गुनाह, चाहे लोग फतवे देते चला जाए, दिल में खटकना चाहिए। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला, दूसरी हदीस देखते हैं स्क्रीन पे, तवज्जो मबजूल, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचो, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह हमें सबसे बड़ा इबादत गुजार बना दे। अल्लाह रसूल की बात से किसकी बात सच्ची है कि लोगों, क्या फरमाया कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचो, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाओगे। फर्स्ट लेसन फॉर मी, इंशाल्लाह मैं और आप कोशिश करेंगे तमाम हराम करदा चीज़ों से बचते ही हैं इंशाल्लाह, सब हराल चीज़ें ही लाते, उसके अलावा भी देखते हैं, गौर करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जैसे कि रिबा वगैरह तो नहीं दाखिल हो गया हमारी ज़िंदगी में, तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाओगे। ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे। सैयदना अबू हदीस मुबारकों को देख लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, टाइम भी हो गया, आयत भी ख़त्म हो गई। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मुझसे इन कलमात की तालीम हासिल करे और ख़ुद उन पर अमल करे या उन पर अमल करने वाले को सिखा दे। देखिए अमल करना भी है, हासिल भी करना है इल्म, अमल करना भी है और उसको आगे पहुँचाना भी, सिखाना भी, शेयर भी करना है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ, यानी तीनों काम करूँगा, और वो करते थे आपके हुजरे मुबारक से जो चबूतरा बना हुआ था असाबे सुफा, सुफा पे बैठे आज भी है वो चबूतरा है, जो जो गए उन्होंने देखा है और अब हम उसमें भी देख लेते हैं टीवी वगैरह में भी। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और शुमार करते हुए पाँच चीज़ें बतलाईं। अब नंबर एक, नंबर एक क्या बतलाया? आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचो, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाओ। अल्लाहुम्मा जलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दे सबसे बड़ा इबादत गुजार। अपने हक में अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी हो जाओ, जो मिला कदा और तकदीर में, ठीक है, तो जो हमारी तकदीर में मिल गया उस पर राज़ी हो जाओ,
सबसे बड़े गनी बन जाओगे, दिल गनी हो जाएगा, अमीर तरीन बन जाओगे। दूसरों को ना देखें कि उसके पास मुझसे ज्यादा है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, नहीं, फिर वरना गनी नहीं बनेंगे। हर वक्त जो है दिल में एक वही रहेगा, अल्लाह की नाशुक्री रहेगी। अपने पड़ोसी से उसने सलूक से पेश आओ, मोमिन बन जाओगे। सुभान अल्लाह। लोगों के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए करते हो, जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही पसंद करता है। इस पे लिए कोई आयत बताएगा, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छी आयत इस पे हम पढ़ चुके, चौथे पारे में शुरू में ही है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पा ही नहीं सकते, तुम बिर को, अब लन तनालुल बिर्रा, बिर को पहुंच ही नहीं सकते, नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। लोगों के लिए वही पसंद करना है जो अपने लिए पसंद करना। मुसलमान बन जाओगे, क्या होगा, मुसलमान बन जाओगे अगर वही पसंद करोगे जो अपने लिए पसंद करते हो लोगों के लिए। और कसरत से हंसना तर्क कर दो, क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। कह के लगाने से मेरी बहनों दिल मुर्दा हो जाता है। आखिरी हदीस स्क्रीन पर तवज्जो मबजूल। सैयदना नवाज बिन सम्मान रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जवाब दिया, नेकी तो हुस्न अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और ये बात तुझे नापसंद लगे कि लोग उस पर मुत्तला हो जाएं। ठीक है, कि गुनाह क्या है कि जो लोग तेरे सीने में खटके, खुद को भी एक ज़मीर मलामत करता रहता है ना, अल्लाह मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया, और ये बात हमें पसंद नहीं होती कि लोगों को खबर हो जाए, लोग इसके को पता चल जाए कि मैंने गुनाह किया। अच्छा, अब कंक्लूड करते हैं और हम फिनिश करेंगे। आया 120, इस्म गुनाह की क्या तारीफ है। इसका रूट वर्ड है हमजा सामीम गुनाह। मुराद है वो गुनाह जो इंसान के दिल को खटके और उसको ये डर हो कि किसी दूसरे को इसके गुनाह का पता ना चल जाए। इस आयत में लोगों को किस बात का हुक्म दिया जा रहा है। इस आयत में लोगों को ज़ाहरी और बातनी गुनाहों को छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। ज़ाहरी और बातनी गुनाहों से क्या मुराद है। ज़ाहरी गुनाहों से मुराद वो है जो सबके सामने ज़ाहिर हो, मसलन नमाज ना पढ़ना, हिजाब ना करना, नाच गाना, म्यूज़िक वगैरह। बातनी गुनाहों से, मैंने इससे ज़्यादा और भी तफासिर से बताए थे आपको, ये तो समरी है, इन शॉर्ट है। बातनी गुनाहों से मुराद जो दूसरों के सामने ज़ाहिर तो ना हो लेकिन इंसान के बातिल में छुपे हों, मसलन जिना, रियाकारी, धोखाबाजी, चाले चलना, दूसरों के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाना और बदगुमानी वगैरह। जन, जिसकी बात हुई थी ना, जन पे ज़िंदगी गुजारते हैं, कयास आराइयाँ करते हैं, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, मुलम्मा साजी करते हैं। अब एक हदीस है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तमाम गुनाह की बात हुई ना, ज़ाहिरी और बातनी गुनाह, तो ये हम सजदे में भी पढ़ते हैं। अबू साले सजदे में भी पढ़ सकती, वैसे भी हज़रत साले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कहा करते थे, सुजूद ही अल्लाह। आखिरी लाइन देखें, सेकंड लास्ट लाइन हदीस मुबारकी मुबारका की, अल्लाहुम्मा फ़िली ज़म्बी कुल्लुहू दिक्कुहू व जिल्लुहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतुहू व सिरहू। अल्लाह मेरे सारे गुनाह बख्श दे, छोटे भी और बड़े भी। अब आप देखें यहाँ पर जो है ना, कुल्लुहू सारे, अब यहाँ पे दिक्कुहू व जिल्लुहू को कहा है छोटे और बड़े। ठीक है, दिल्लू दिक्कहू और जिल्लू का एक और मतलब भी होता है, आगे हम पढ़ते हैं, अभी ये हदीस पूरी करते हैं। अव्वलहू व आखिरहू, पहले भी और पिछले भी। वह अलानियत हो, वह सिरहू, खुले भी और छुपे भी, जो आज की हमारी आयत में थे कि ज़ाहिरी और बातनी। ठीक है, वह अलानियत हो, जो एलानिया तौर पे आप करें, वह सिरहू और जो छुपके करें। तो अब हम इस आयत दुआ को सदे में भी पढ़ेंगे और याद भी की हुई है और कर भी लेंगे याद। अल्लाहुम्मा फिली, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इग़फिर ली, इग़फिर बख्श दे, ली मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए बख्श दे, कुल ज़म्बी गुनाह। ठीक है, ज़म्बी मेरे गुनाह, कुल्लू कुल का मतलब सबको पता है, सब। अल्लाहुम्मा फिली ज़म्बी कुल्लू, अल्लाह मेरे लिए मेरे सब गुनाह बख्श दे। अब मैं तो वट वट कर रही हूँ, दिक्कहू व जिल्लू, दिक्कहू थोड़े हों व जिल्लू ज़्यादा हों। और हदीस मुबारका में इसका तर्जुमा किया गया है, दिक्कहू व दिक्कहू को उन्होंने लिखा है छोटे और जिल्लहू को लिखा है बड़े भी। तो अरबी में बड़ी वसत होती, तो दिक्कहू व जिल्लहू में हमारे छोटे गुनाह भी आ गए, बड़े भी आ गए। और अभी हमें दुआ जो अकेली पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कहू व जिल्लहू को मानी किया गया है कि थोड़े हों या ज़्यादा हों। तो देखिए इसमें सब कवर हो गया, थोड़े और ज़्यादा भी हो गए, और जो हदीस मुबारका में है वो क्या है, छोटे और बड़े, तो सारे कुछ आ गए।
छोटे बड़े थोड़े ज्यादा, वो अव्वल हो वो आखिर हो, और पहले हो या पिछले हो, वो अलानियत हो वो सिर हो, जो आपकी आयत से रिलेटेड है कि वजरू और छोड़ दीजिए, बचो, किससे बचो, जाहिरी और बातिनी गुनाहों से। यानी जो जाहिरी क्या होते हैं, ऐलानिया, तो बात कवर हो गई ना, वहाँ आयत बता रही है जाहिरी, तो ऐलानिया जाहिर तो यही होता ना, ऐलान करेंगे तो जाहिरी गुनाह हो गए, और बातिन क्या होंगे, सिर रहो छुपे हुए। तो आप देखें अरबी की वसत देखें, जाहिर हो व बातिन हो, यहाँ आ गया वह अलानियत हो व सिर रहो, के जाहिरी क्या हो गए, ऐलानिया हो गए, सिर रहो क्या हो गए, बातिनी हो गए। तो ये सज्दे की दुआ भी है, तो एक याद दहानी होगी, मैं भी और आप भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सजदे में दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्म अग़फ़िली ज़म्बी कुल्लहु दिक़्क़हु वजिल्लहु अव्वलहु व आख़िरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। फिर हिफाजत की दुआ हमारी पिछली दुआ थी जो आप सुबह शाम के अस्कार के बाद पढ़ती, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ी वल आमाली वल अहवाई, अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे अख़लाक़ बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से, ख्वाहिशा से। सुनन तर्मिज़ी, इसकी हमने तफसीर कर ली थी, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। अगर पूरे 2:30 बजे शुरू हो जाता ना तो पूरे 3:30 बजे ख़त्म हो जाता। इंशाल्लाह हम जुमे से कोशिश करेंगे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, बारकल्लाहु फी इल्मिक बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक व रिज़्क़कुम व औक़ातकुम व अहलकुम व मालकुम, आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा फिर दुनिया वल आखिरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चले मैं कंक्लूड करती हूँ अब, क्योंकि हमारे पास टाइम नमाज का जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, मुझे इजाज़त दें, तो आपकी इजाज़त से मैं मीटिंग